दिल्ली पुलिस ने द्वारका के छावला में हुई बैंक लूटकांड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। बीते 12 अक्टूबर को 6 हथियारबंद बदमाशों ने कॉरपोरेशन बैंक के कैशियर को गोली मारकर 3 लाख रुपए से ज्यादा की रकम लूट ली थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें पूछताछ के बाद पुलिस ने छापामारी करते हुए लूटकांड के मुख्य आरोपी को पकड़ लिया। राम मंदिर पर जारी घमासान के बीच उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरयू के किनारे राम की पैड़ी में 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। इस दौरान पीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी किम जोंग सूक भी वहां मौजूद दिखी। इन्होंने सरयू तट पर हुई आरती में हिस्सा लिया। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर राम नाईक समेत कई मंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्रोच्चार के साथ खास तरह के दियों से भी सरयू तट पर आरती की। आरती के साथ सरयू तट पर दिए जलाने का भी सिलसिला शुरू हुआ और दावा किया गया कि दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ जब एक साथ इतने दिए एक जगह पर जलाए गए। इस नज़ारे को देखने के लिए अयोध्या ही नहीं दूसरे राज्यों और देशों से भी लोग आए। सीएम योगी आदित्यनाथ और साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी किम जोंग सूक ने भी दियों की रोशनी से जगमगाते सरयू तट का नज़ारा देखा। लाखों दियों से जगमगाती राम की पैड़ी पर लेजर शो भी किया गया और इसी दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले के नाम को बदलकर अयोध्या करने का ऐलान भी कर दिया। राम के राज्याभिषेक कार्यक्रम के बाद सीएम योगी ने वहां राम कथा पार्क में लोगों को संबोधित भी किया और साथ ही जिले का नाम बदलने की घोषणा भी कर दी। आज से इस जनपद का नाम भी अयोध्या के नाम से जनपद जाना जाएगा। अयोध्या की पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से है। फैजाबाद की नींव करीब 300 साल पहले अवध के मुस्लिम नवाबों ने डाली थी। फैजाबाद जिले में राम की कथा से जुड़ा अयोध्या एक छोटा शहर है, लेकिन अब जिले का नाम ही फैजाबाद की जगह अयोध्या होगा। इसके अलावा सीएम ने अयोध्या के विकास के लिए भी कुछ बड़े ऐलान किए। यहाँ पर एक नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ही नाम पर रखेंगे। सीएम योगी ने अयोध्या के विकास का जिक्र करते हुए दावा किया कि अयोध्या के साथ अन्याय नहीं हो सकता। राम मंदिर मुद्दे का मुख्यमंत्री ने सीधे जिक्र नहीं किया, लेकिन इशारों में जता दिया कि वो अयोध्या में राम मंदिर का जल्द निर्माण चाहते हैं। उधर फैजाबाद का नाम बदलने के ऐलान पर भी सियासत गर्म हो गई और कांग्रेस ने छूटते ही इसे चुनाव से जोड़कर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। हमारे हिंदू धर्म के लोगों के भावनाओं को मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। अयोध्या स्वयं महान। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विकास के मोर्चे पर नाकाम होने की वजह से सरकार राम का सहारा ले रही है, लेकिन विपक्ष ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किए जाने का स्वागत किया। अयोध्या तो पहले से था, उसका बाद में नाम फैजाबाद कर दिया गया था। जनता की मांग थी, उसको स्वीकार किया योगी जी ने। बीजेपी ने राम के नाम पर सियासत करने के आरोप को खारिज किया।